ओम शांति। आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। बाबा ने प्रश्न पूछा, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा ने उत्तर दिया, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट यह भी स्टूडेंट भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तक सकती है जब अपने को आत्मा समझें। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार देते हैं। बाबा भी आकर वर्षा एक बार नहीं, हर कल्प कल्प हमें देते हैं। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बना है। बाबा कहते हैं बच्चों को शौक रहता है कि हम सर्विस करें, तो आपस में मिलकर राय करते हैं और फिर बाबा की सेवा करते हैं कि मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाए। यह कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी भी जो नाम है वह सब तुम्हारे हैं।
जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे, कोई माणिक जैसा कोई पुखराज जैसा बनेगा। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं, यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। भक्ति मार्ग में कितने सारे टोटके होते हैं, कितना कुछ बताया जाता है, 9 रत्नों की अंगूठी पहन लो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। लेकिन यहाँ पे यहाँ बाबा कहते हैं सभी धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है और वो है मन मनाभव। मन मनाभव क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना। तकलीफ की कोई बात नहीं, सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती है, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। अपने आप को पूछें कि पूरे दिन में हमें बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती, क्यों हम बाबा को भूल जाते हैं। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। यदि हम समझ लें कि इस याद से, बाबा की याद से हमें कितने फायदे हैं और इस अभी वर्तमान पर हमारा कितना भविष्य टिका है, तो अवश्य ही हम अपना वर्तमान अच्छा बनाएंगे, अपना पोता में रखेंगे। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है, वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, इसमें भी हमारा निश्चय कितना है कि हमें निराकार ने थ्रू ब्रह्मा एडॉप्ट किया है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कोई बच्चे तो बंधन मुक्त हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि कहें या वृत्ति कहें वो फिर भी भागती रहती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। जो भी हमारा पुराना है, पुराना शरीर ना, पुराना तन मन संबंध संस्कार सब कुछ पुराना अभी हमें छोड़ना है। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है, अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए।
पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से अभी हमको वैराग्य आना चाहिए। बाबा ने हमें नए संस्कार और नई दुनिया दिखाई है। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तभी कहते हैं ना, अंतकाल जो नारी सिमरे, तो जो जिसको अंत समय में याद करेगा उसी अनुसार उसकी सदगति होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हरेक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे, उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है, वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि रात को सोने से पहले अपनी अवस्था को देखना है कि पूरे दिन में हमने हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, कैसा हमारा कारोबार चला। बाबा के पास समाचार तो हरेक का आता है, बाबा हरेक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। हर बच्चा अपने आप को अंदर से जानता है कि हम कितना बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। इसमें हरेक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं हुए होंगे, तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अभी नहीं पढ़ाई की तो कल्प का घाटा पड़ जाएगा। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे, शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी से हम वो सीन इमर्ज करें कि अंत समय में जब साक्षात्कार होगा कि हम ये पद पाने वाले हैं, तब हमें रियलाइज होगा कि हमको समय मिला था, हमें गाइडेंस मिली थी, हमें वातावरण मिला था, लेकिन फिर भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर क्या हाथ लगेगा। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी, डबल सिताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है, त्रेता के अंत तक 16108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, कितनी दुख की घड़ी होगी वो, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो, इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे, कौन बच्चे गिरे, कौन चढ़ती कला में है, कौन उड़ती कला में है। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए, बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, भल इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रहे। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवड माशुक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखे। अंदर की वृत्ति कैसी हो हमारी कि ये सृष्टि तो, ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान होना है, इसलिए किसी भी देहधारी में बुद्धि योग ना जाए। तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो हजार बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर वन मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहां देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कोई भी ज्ञान का पॉइंट अगर हमें वो क्लियर नहीं है, उसकी समझ नहीं है, तो जो भी हमारे बड़े हैं हम उनको रेफर करें ना, लेकिन गलत समझाएं उसकी बजाय बड़ों को हम रेफर करें, तो इसमें कोई देह अभिमान की बात नहीं है। जहां बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो गेट वे टू हेवन, अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। बाबा कहते इस होवन हार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला का चित्रशाला कैसे बनाएं। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता एक सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई भी वैकुंठ में जा न सके। कोई भी तमो प्रधान आत्मा तो वैकुंठ में जा नहीं सकती। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। क्या खर्चा हमारा हो रहा है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार। याद करते करते पवित्र वन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी रहेगी।
भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये नशे की बात है तो ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से हजार बार बाबा बाबा निकले। कोई भी हम सेवा करते निमित्त भाव हो तो अपने आप ही बाबा बाबा निकलेगा। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा बिंदी, बार बार देखने का अभ्यास करना है। वरदान है नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आज भी देख रहे हैं वर्तमान समय चारों तरफ कितना दुख और बह का वातावरण है, तो हम जो रूहानी बाबा के पैगंबर मैसेंजर बच्चे हैं, हमारा यही कर्तव्य है कि दुख की लहर में हर आत्मा तक सुख की अनुभूति कराना। स्लोगन है अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अर्थात अगर हमारी अशरीरी अवस्था है तो देह, देह की पदार्थ, देह के संबंध, कोई भी दैहिक चीज हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।